जानेंगे आज इस वीडियो में कि बाघ के पूर्वज कहां से आए थे और बाघ के पूर्वज की उत्पत्ति कहां से हुई थी। बाघ के पूर्वजों के चीन में रहने के निशान मिले हैं। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उप प्रजाति के डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज मध्य चीन से भारत आए थे। जिस रास्ते से भारत आए थे कई शताब्दियों बाद इसी रास्ते को रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में NCI लेबोरेटरी ऑफ जीनोमिक डायवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1970 में विलुप्त हो जाने वाले मध्य एशिया के कैप्सियन बाघ अथवा रूस के सुदूर पूर्व में मिलने वाले साइबेरियाई या एमूर बाघ एक जैसे हैं। इस खोज से यह पता चला है कि किस तरह बाघ मध्य एशिया और रूस पहुंचे। ऑक्सफोर्ड के वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन यूनिट के एक शोधकर्ता कलरोस रिस्कॉल के अनुसार विलुप्त कैप्सियन और आज के साइबेरियाई बाघ सबसे नज़दीकी प्रजाति है। इसका मतलब है कि कैप्सियन बाघ कभी विलुप्त नहीं हुए। अध्ययन के हवाले से कहा गया है 40 साल पहले विलुप्त हो गए कैप्सियन बाघों का ठीक से अध्ययन नहीं किया जा सका था, इसलिए हमें डीएनए नमूनों। एक अन्य शोधकर्ता डॉक्टर नाबी यामागुची ने बताया कि मध्य एशिया जाने के लिए कैप्सियन बाघों द्वारा अपनाया गया मार्ग हमेशा एक को फिर से प्राप्त करना पड़ा है। एक पहेली माना जाता रहा है क्योंकि मध्य एशियाई बाघ तिब्बत के पटारी बाघों से अलग नजर आते थे, लेकिन नए अध्ययन में कहा गया है कि लगभग 10,000 साल पहले चीन के संकरे गांस के हजारों साल व्यापारिक गलियारे से गुजरकर भारत पहुंचे सिल्क रूट के नाम से भी विख्यात हुआ है।